लस्सी और दही डाल के बनाते हैं। आइए आइए बाबू जी, आपको क्या बताओ? नींबू नींबू मसाला में डालू कर देता हूँ आपको। है तो दे देना, नहीं तो फिर की कह देना, खा के जाओ। है तो दे देना, नहीं तो फिर की कह देना। अंशु भैया अंशु भैया, ये हमारे पिताजी अब ढेल लगाया करते थे, इनके घर के सामने लगाते सेठ जी हमारे। अच्छा, ये हमारी पिताजी की ढेल से लटक जाया करते थे। अच्छा, आज देखो कितने बुजुर्ग हो गए। पहले ठेली लगा करती थी। अरे और क्या, ठेली से दुकान खुली है। यस यस यस, तो पिताजी ने आपके बहुत मेहनत की। करते हो तो बिल्कुल करते होंगे, घर ही करके लगते हैं बाबू जी। ये भतीजा है मेरा। नंबर वन है जी, आगरा का नंबर वन भटूरा। तो ये भटूरे बनाने का भैया यहाँ का तरीका है, और इसमें आटा मैदा सूजी और दही डाल के बनाते हैं इस भटूरे को। देख सकते हो, आज से पहले ऐसे भटूरे नहीं देखे होंगे। ध्यान से देखो, भटूरे के अंदर की स्टफिंग आपको दिख जाएगी। पनीर देखो, प्याज व्याज धनिया काफ़ी अच्छे से भर रखा है, और साथ में इनके छोले का तरीका देख सकते हो, पनीर साथ में मखाने, तो बहुत ही शानदार प्लेटिंग है। बढ़िया से सेक दिया भैया ने, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। और ये लो इसकी बाइट ले लेते भाई। और बात करूँ छोले भटूरों की, तो आज से पहले मैं ऐसे छोले भटूरे तो कभी नहीं खाए लाइफ में। पहली बार ऐसे छोले भटूरे ट्राई करें जिसके अंदर पनीर की स्टफिंग है, वो भी अलग ही तरीके से प्रेजेंट करा, जैसे लग रहा पराठे होते हैं ना, ठीक वैसे ही टेस्ट में मज़ेदार है। अगर आप भी खाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और मज़ेदार वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं।